अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे न्यू लेटेस्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आप लोग का मैं समझ रहा हूँ, सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, आपसे व्यू करके चले जा रहे हो। कर दो सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। हेलो एवरीवन, दिस इज रॉजर विकी अगेन, और आज का वीडियो है ऑटोसोल मेटल पॉलिश, जो कि एक पॉलिश टाइप है, एक क्रीम टाइप है जो आप अपने इंजिन्स के ऊपर लगा के जंग पकड़े हुए हैं और जो भी दाग है वो सब निकाल सकते हैं। एक्चुअली मैंने इसे ऑर्डर इसलिए किया है क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने अपना बैटरी चेंज किया था। बैटरी चेंज करने के कारण जो पुराना बैटरी का जो पानी था वो इंजन पे गिर गया था, वो कुछ इस तरीके से ख़राब हो गया है। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक ऑटोसोल मंगा ही लेता हूँ, जरा एक बार इसी बहाने में चेक भी कर लेता हूँ कि वेदर ये सच में वर्क करता है या नहीं। आपने बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी देखे होंगे यूट्यूब पे कि बाबा ऑटोसोल कैसे से वर्क करता है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। ये रहा वो पैकेट जो अमेजोन से, इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस है 280। आप देख सकते हैं इसको कर दिया मैंने कट। एक्चुअली इसका प्राइस है 230, डिलीवरी चार्जेस शिपिंग चार्जेस जो मुझे लगा है वो है 50 रुपीज। कुछ इस तरीके से हमें ये मिला है मेटल पॉलिश। ओके, कंडीशन तो काफी खराब है। ओके, चलिए एक बार मैं आपको उस पर दिखा देता हूँ उस पर क्या लिखा गया है। ऑटोसोल मेटल पॉलिश इज फॉर ऑल मेटल पार्ट्स लाइक ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, क्रोम, स्टेनलेस स्टील, निकल एक्सेट्रा। ये करता क्या है, क्लींस, पॉलिशेस, रिमूव रस्ट एंड प्रोटेक्ट। अप्लाई थिनली एंड रब इन सर्कुलर मोशन विद अ क्लोथ एंड बफ विद अ क्लीन ड्राई क्लोथ। तो चलिए इस ऑटोसोल को यूज करते हैं, सबसे पहले वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद फिर ये क्रीम लगा के टेस्ट करते हैं वेदर इट वर्क्स और नॉट। ओके गाइस, तो वॉशिंग हो गया। अब मैं आ चुका हूँ शोएब के गैरेज पे। यहाँ पे हम लोग जो लगाने वाले वो है ये ऑटोसोल का मेटल पॉलिश, और इसमें मेरा हेल्प करने वाला है शोएब और सचिन। सचिन शोएब हेल्प करने वाले तो बोल दो, वरना फिर मैं शुरू करूँ। करेंगे करेंगे। चलो इसे खोल लेते हैं। आई एम यूजिंग ब्रश, आप शायद हाथ से भी कर सकते हो जितने वीडियोज मैंने देखा है। गाइज, आई एम ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, गलतियों को माफ करो। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने टेप लगाया हुआ है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन पहले कैसा था और लगाने के बाद ऑटोसोल कैसा हो गया। एंड आफ्टर अप्लाइंग वी विल लीव इट फॉर 15 मिनट्स और 10 मिनट्स। हर जगह थोड़ा 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 लगा के देखने वाला हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा गंदा हुआ है, तो लेट्स डू इट हियर ऑल्सो। ओके, तो जैसा मैंने सोचा था कि जो बैटरी का पानी का जो दाग है वो निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं निकला। अरे अब निकलेगा कैसे वो भी देखते हैं। Thank you.
तो चलो अभी इसे साफ करके देखते हैं जो मैंने आपको दिखाया था। अगर अभी इसे रिमूव करते हैं ये ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा फर्क शायद आपको दिख रहा होगा, है ना? ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा फर्क है। ओके, तो ये जो हॉर्न्स हैं यहाँ पे, एक वाले पे मैं लगा दिया हूँ और यहाँ पे जैसे थोड़ा जंग पकड़ा हुआ है वो नहीं लगाया। मैं क्या करता हूँ कि इसी पे सिर्फ लगा के साफ करके दिखाता हूँ फिर दोनों का डिफरेंस कैसे है। जैसे कि रहा मेटल पॉलिश, तो ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ पॉलिश है, कोई रस्ट रिमूविंग नहीं है। रस्ट रिमूविंग लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा रस्ट रहेगा वो नहीं निकलता है। जो छोटा मोटा नॉर्मल रस्ट आपका कुछ महीनों पहले या साल पहले लगा हुआ है वो निकल जाएगा, अन्य रस्ट है वो नहीं निकलेंगे। सो, अब जैसे कि मैंने आपको बोला, बैटरी का जो दाग है यहाँ पे जो लगाया था मैं, वो नहीं निकला। शाइन आया है ठीक है, बट जो दाग है वो नहीं निकला। और एक्चुअल मैंने ऑटो सोल का जो मॉडल पॉलिश है ये मैंने मंगाया है सिर्फ था कि ये दाग निकालने के लिए। सो, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं कि शायद ये दाग के लिए नहीं था, बट अगर आपको शाइननेस है तो हाँ, ये शाइननेस के लिए है, आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो। अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ शाइन के लिए मैं बोलूँगा, बाकी शोभ भाई आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे की बैठता है की। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्ले आया है, इससे क्या होता है गाड़ी का मैग्नेट प्ले आने के बाद गाड़ी को स्टार्टिंग ट्रबल देता है। हमें क्या करना होगा इसके लिए, गाला भरना होगा। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, फिलहाल तो अभी इसके। Okay, so thank you guys for watching this video. I hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in my next video. Till then, peace. Yeah, chamak gaya yaar.